Hello viewers, today I am going to tell you how much does Google Ad cost, and it is a part 1 because it is a big topic, so I am dividing it into 2. So let us start. How much does Google cost? It is a reasonable question and one we hears all the time, especially from the newcomer to paid search. गूगल एड जो है वो कितना कॉस्ट करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. जो बिजनेस कर रहा है या वेबसाइट चला रहा है या ब्लॉग चला रहा है या वीडियो बना रहा है तो उसके लिए गूगल एड बहुत ज़रूरी है. द कॉस्ट ऑफ गूगल एड डिपेंड ऑन सेवरल वेरिएबल इट्स हेल्प यू डिसाइड वेदर यू शुड यूज़ गूगल एड्स और नॉट. अब आपके जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं गूगल एड्स के उसको जानिएगा तभी आप जान पाइएगा कि आप गूगल ऐड यूज करिए कि नहीं. डिफाइन एग्जैक्टली हाउ द गूगल ऐड ऑक्शन वर्क. ये डिफाइन करता है कि गूगल ऑक्शन कैसे होता है. डिस्कस द वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ गूगल एड्स कैंपेन. अब गूगल ऐड कैंपेन की क्या कॉस्ट होगी ये गूगल ऐड में हमको जानना चाहिए. यू विल नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू सेट अ रियलिस्टिक बजट फॉर योर गूगल एड्स अकाउंट. और उसके लिए अपना बजट फिक्स करना होगा कि हम कितना पैसा खर्चा करेंगे. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप एड्स मत लगाइए. व्हाई इज देयर इज नो क्लियर कट गूगल एड प्राइस. अब ये क्यों नहीं फिक्स है कि गूगल एड की प्राइस क्या होगी. गूगल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री कस्टमर लाइफ साइकिल एंड करंट ट्रेंड. तो गूगल एड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है तीन चीज़ पर डिपेंड करती है, इंडस्ट्री पे, कस्टमर लाइफ साइकिल पे एंड करंट ट्रेंड पे. जैसे आजकल COVID-19 चल रहा है तो पहला तो आया इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल द बिजनेस सर्विस वर्टिकल, लीगल अकाउंटिंग, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव वर्टिकल इन गूगल एड्स. अब सबसे ज़्यादा लीगल अकाउंटिंग और रियल एस्टेट्स के लोगों को ऊपर गूगल एड की कॉस्ट सबसे ज़्यादा आती है. विच जनरली ट्रांसलेट इनटू मोर एक्सपेंसिव कॉस्ट पर क्लिक. न्यू क्लाइंट कुड ईल्ड अपवर्ड ऑफ 1K टू 10K डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस. सो एज अ CPC ऑफ $50 इज अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर दैट क्लाइंट. लेकिन $50 भी कम है कि उस इंडस्ट्री के लोगों को पैसा कॉस्ट पर क्लिक फिक्स हो. लेकिन स्मॉल जो काम करने वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए $1 to $10 बहुत है. बिजनेस इन द आर्ट एंड एंटरटेनमेंट वर्टिकल हैव अ स्मॉलर CPC बट दे नीड टू रीच अ लॉट मोर कस्टमर देन टू हिट दैट 1K to 10K. लेकिन अगर उनको भी अगर बहुत लोगों को ऑक्यूपाई करना है तो $1 to $10 तक उनको भी लगाना पड़ेगा. You can also to take into account the life cycle of your customer for potential client to move through the decision making process, multiple visit to your website, a content download or two, participation in webinar. अब ऐसा client जो multiple time आपके website पे आता है और बहुत सी चीज़ download करता है, webinar में भी participate करता है, तो आप उसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यूज़ करके अपने एड्स को लगाने की सोच सकते हैं. करंट ट्रेंड ऑफ कोर्स मास्क कंज्यूमर्स एंड बिजनेस चेंजेस देयर बिहेवियर टू अडैप्ट द कॉस्ट ऑफ रनिंग गूगल एड्स हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय COVID-19 पेंडेमिक. अब करंट ट्रेंड में क्या आया. करंट ट्रेंड ये है कि पेंडेमिक चल रहा है तो उससे बहुत से इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, बहुत से इंडस्ट्री पे निगेटिव इफेक्ट पड़ा. अब पॉजिटिव किस पे पड़ा, मेडिसिन है, डॉक्टर है, सफाई वर्कर है, इन सबको क्या है बेनिफिट मिला. और जो जैसे ट्रैवलिंग है, टूर है, ये सारी इंडस्ट्रीज को निगेटिव इफेक्ट मिला. क्यों, क्योंकि वो बंद ही हो गया, टूर कोई जा नहीं सकता था, घर के लोगों का जो उनका बिजनेस था उनको प्रॉब्लम हो गई. इन ऑर्डर टू गेट अ ट्रू ग्रास्प ऑन व्हाट गूगल एड विल कॉस्ट यू विल फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क. वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट अ गूगल एड इज दैट एडवर्टाइजर विद द मोस्ट मनी टू स्पेंड हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस.
ये लोगों की गलत भावना है कि ज्यादा मनी लगाओगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गूगल ऐड का, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल एड्स ऑप्शन, अब गूगल ऑप्शन कैसे लगता है, गूगल एड फंक्शन इज एसेंशियली द सेम वे एज ऑप्शन। व्हेन अ यूजर टाइप अ वर्ड और फ्रेज नोन एज अ सर्च क्यूरी इनटू गूगल सर्च बार, गूगल देन लुक टू सी इफ दैट क्यूरी कंटेन कीवर्ड दैट एडवर्टाइजर आर करंटली बिडिंग ऑन। इफ द गूगल एड्स एडवर्टाइजर आर एक्टिवली बिडिंग ऑन एनी ऑफ द कीवर्ड इन द यूजर सर्च क्यूरी द एड ऑप्शन बिगिन। अगर आपने जिस कीवर्ड पर या जिस टॉपिक पर आपने अपना ऐड लगाया है वो टॉपिक पहले से वहाँ है और उसमें ऐड पहले से लगा हुआ है तो आपको ऑप्शन, आपका ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपको बिडिंग करनी पड़ेगी। ऐड रैंक्स, अब वो ऐड कैसे रैंक करेगा, गूगल विल देन कैलकुलेट ईच कंटेंडिंग एड्स ऐड रैंक विच डिटरमाइन इफ वेयर योर एड्स विल बी प्लेस इन द पेड रिजल्ट और सेक्शन। एड रैंक इज कैलकुलेटेड बाय योर मैक्सिमम बिड एंड क्वालिटी स्कोर। अब आपका रैंक कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पर क्लिक, कितने मैक्सिमम बिड लगाई आपने, कितना पैसा लगाया और उसके आपके कंटेंट का क्वालिटी स्कोर क्या है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिड आप कम भी लगाएंगे तो भी आपको रैंकिंग अच्छी मिलेगी। योर क्वालिटी स्कोर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनफैक्ट दैट कैन हेल्प यू लर्न मोर अबाउट हाउ गूगल डिटरमाइंस द क्वालिटी स्कोर ऑफ योर एड्स। What is a quality score and how does it affect PPC? Page per click कैसे affect होती quality से? What is a good quality score for each type of keyword? जो आपने keyword लगाया उसके लिए क्या quality score है? How quality score affects cost per conversion? अब quality कैसे effect होती है per cost per conversion पे? Once your quality score and ad rank have been calculated, Google uses this data to determine how much you will pay each time someone click on one of your ads. अब इस पे ये Google depend करता, decide करता है कि आप कितना pay करिएगा, अगर कितना pay करिएगा अगर आप के ad पे कोई click करता है, तो उसके लिए formula है, this formula look like this. Your price, the ad rank of the person upon below you and your quality score plus $0.01. तो क्या होगा, मैक्सिमम बिड आप किसी ने $2 लगाई है, उसकी क्वालिटी स्कोर 10 है और उसकी एड रैंकिंग क्या है 20 है। अब क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक क्या आएगा कन्वर्जन, आपका ऐड लगा हुआ है ₹4 पर, उसकी क्वालिटी 4 ही है और ऐड रैंक 16 है, तो 20 के बाद 16 आया आपका, तो उस पर्सन का 20 और ₹16 लगा तो 16/10, अब उसकी क्वालिटी स्कोर से डिवाइड होके 0.01 आएगा, तो इस आदमी को ₹1.61 देना पड़ेगा और ₹1.61 देना पड़ेगा। और जब आपका कैलकुलेट होगा तो आपके नीचे जो है वो इसने ₹6 लगाया, 2 रैंकिंग है, स्कोर है और क्वालिटी स्कोर है और 12 रैंकिंग पे हैं आप, तो 12/4 हो जाएगा उसकी क्वालिटी स्कोर से प्लस 0.01, तो आपकी कॉस्ट जो होगी 3.01 आ गई, उसके नीचे वाले की इसी तरह 4.01 आएगी, उसके नीचे वाले की हाईएस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से चाहे आप ज़्यादा पैसा लगाइए लेकिन अगर आपका क्वालिटी कंटेंट अच्छा नहीं है और रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्लिक पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। नोटिस हाउ एडवर्टाइजर वन कैन पे लेस देन एडवर्टाइजर 4 एंड स्टिल अचीव अ हायर पोजिशन ड्यू टू देयर बेटर क्वालिटी स्कोर। This is how Google Ads work in nutshell and why advertisers with a small budgets are able to advertise just as effective on Google as big budget companies. तो अगर आपका quality content बहुत अच्छा है और तब भी आप कम पैसा लगा के ranking अच्छी ले सकते हो। Additional variable in Google Ads auction.
There are several other variables that impact your ad spend and ultimately your ad spend, but maximum bid and quality score are important ones to know. The additional factor influence your ad rank is ad ki kya relevance hai, landing page ki kya relevance hai, and auction time quality kya hai, the device location kya hai, context of user kya hai, alternative bidding method kya hai, alternative ad formats kya hai, ye sari cheeze location, device, budget, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ऐड कितना अधिक चल रहा है। तो आगे हम बजट के बारे में बताएंगे, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो सेकेंड पार्ट में हम आपको बजट बनाना और कैसे किस किस डिवाइस को इसको कैसे भेजते हैं ये सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो पूछिएगा, स्पेशली फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि कैसे प्राइस कैलकुलेट होती है। सो थैंक यू व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ रन शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन अग्रवाल, विजिट कम्युनिटी टैब, कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन इफ एनी, ज्वाइन माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। Thank you, viewers.